कई उनके सांसद अभी भी आप देखें कीचड़ में बैठ के कह रहे कोरोना है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आपको मैं वो बात की थी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में, वो याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कोरोना नाम की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये तो थोड़ा सर्दी जुकाम है, आपको याद होगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है, कि मौतों के कारण जनता डरे और घरों में रहे, तो सरकार क्या करेगी। 20 मार्च से लगातार जनता के बीच में क्वारंटाइन एरियो में गया हूँ, संक्रमित एरियो में घूमा हूँ, और जहाँ जहाँ ऐसी समस्या ज़्यादा थी, जहाँ लोग अधिकारी दहशत में नहीं जा रहे थे, उन क्षेत्रों में व्यक्तिगत घूमा हूँ, लोगों को राशन सामग्री बांटी है, घर घर तक उनकी समस्याओं के लिए लड़ने पहुँचा हूँ। लेकिन पिछले 20 तारीख को मैं खुद बीमार हुआ। लेकिन अगर कोई बेशरम प्रशासन हो जाए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता की चिंता और जनता की मौतों का डर की बजाय सिर्फ उपचुनाव दिख रहा हो, कि माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर भी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। इन सभी विधायकों से और सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस समय अगर हम जनता का साथ नहीं दे पाए तो हमारे लिए ये पार्टी का विषय नहीं है। मौत अगर हो रही है और जन जन के बीच में कहर टूट रहा मौत का, उस समय हम राजनीति करने की बजाय अगर एकजुट होके अपनी बात भोपाल पहुंचा दें। क्या वर्तमान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा काम नहीं कर पा रहे हैं? मेरा कहना है चिंता व्यक्त करने की बजाय अब हमको खुल के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। अगर माननीय हमारे भाजपा के सभी नेता चाहते हैं तो हम सब पूरे कांग्रेस के विधायक साथ चलने तैयार हैं भोपाल में, क्योंकि हम लोग इस समय राजनीति करने के बजाय हमारा मिशन जो है सेवा का है, जन जन का जबलपुर शहर का इलाज मिल जाए, उनकी जान बच जाए, इससे ज़्यादा उद्देश्य हमारा कुछ नहीं। हम राजनीति करना भी नहीं चाहते सर। लेकिन मैंने देखा कर्मवीर शर्मा जी इन सब बातों को लगता समझ नहीं पाए अभी तक, और जबलपुर शहर की तासीर को नहीं समझ पा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदारा सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, और इसका इसी सरकार को बनाने के चक्कर में आज जो मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में बीमारी फैली है, उसका एक बड़ा कारण मध्य प्रदेश की सरकार गिराना भी रहा है। क्या उसके बाद भी शहर की और प्रशासन और मुख्यमंत्री की आँखें नहीं खुल रही? मुकादमगंज व्यापारी संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अन्य समारे सभी व्यापारिक संगठनों ने ये अपने आप में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इस मध्य प्रदेश की सरकार को तमाचा नहीं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री और उनके गृहमंत्री ने नहीं कहा प्रदेश पे हाथ जोड़ के कि इस समय आइए हम विपक्ष और सभी जनप्रतिनिधि मिलके कोरोना की इस लड़ाई में ईमानदारी से लड़ें। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऑडियो एक वीडियो वायरल हुए, जिसमें कुछ लोगों ने आपको भूमि और भवन हड़पने के आरोप भी लगाए। एक सैनिक ने कहा कि मैं कोविड से ग्रसित हूँ और मेरा उपचार नहीं हो रहा है, तो उसे वैसा रिस्पांस नहीं मिला, उसने ऐसे ऑडियो में जिक्र है, इस पर क्या कहेंगे? इंदौर और भोपाल के बाद अब जबलपुर भी प्रदेश के हॉटस्पॉट शहरों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है। कोविड-19 का संक्रमण शहर में तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस सवालों के घेरे में है। आज हम मौजूद हैं मध्य क्षेत्र विधानसभा में, और यहाँ से विधायक विनय सक्सेना जी से कोविड-19 को लेकर के चर्चा करेंगे। जबलपुर के सारे प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहाँ एक भी बेड खाली नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में की अव्यवस्थाओं के बारे में लगातार शिकायतें आ रही हैं। शहर के नागरिक दहशत में हैं। ऐसे में कांग्रेस को बतौर विपक्ष जो सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के अलग अलग धड़ अपने अपने कॉन्सेप्ट लेकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की राहत लोगों को मिलनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं देती, क्या कहेंगे विनय जी? देखिए, कांग्रेस या भाजपा का विषय नहीं, विषय जबलपुर शहर का है। जबलपुर शहर में सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं, विधायक भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में, और सत्ता में जो है वो भारतीय जनता पार्टी। किसी भी सरकार की जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है वो चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में जिस समय कोरोना के प्रोटोकॉल लगे हों, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना, सभाएं नहीं आप कर सकते, आंदोलन आप करते हैं तो झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हों, कांग्रेस ने अभी तक आपने देखा होगा सकारात्मक भूमिका निभाई। कलेक्ट्रेट की बैठक हो या हमारी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन भी आप देख रहे हैं, लगातार सड़कों पर है, लगातार चौराहे, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों की लूट का मामला हो, जिस तरह से आपदा को अवसर बनाने का इस हिंदुस्तान को संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, और जिस तरह से ताली थाली लोटा बजवाया है, जबकि उनको ही पता था कि सबसे कोरोना भागने वाला नहीं। कई उनके सांसद अभी भी आप देखें कीचड़ में बैठ के कह रहे कोरोना है नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आपको मैं वो जो उन्होंने बात की थी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में वो याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कोरोना नाम की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये तो थोड़ा सर्दी जुकाम है, आपको याद होगा। और आज जो उन्होंने कल शाम को जो वक्तव्य दिया है तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है, मौतें बढ़ रही हैं, अब हमको ऐसा माहौल बनाना है कि मौतों के कारण जनता डरे और घरों में रहे, तो सरकार क्या करेगी? सत्तारूढ़ भाजपा और प्रशासन की निष्क्रियता लगातार सामने दिख रही है, ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर इस तरह की कवायद क्यों नहीं कर रहे कि लोगों को राहत मिले? देखिए मैं जहाँ तक ऐसी बात है, सभी नेता एकजुट हैं, और एक बात सुन लीजिए, जनता के मुद्दे पे तो सभी एक है, कहीं कोई धड़ेबाजी गुटबाजी जैसी कोई चीज़ जबलपुर शहर में तो है भी नहीं। लेकिन हमारे एक माननीय मंत्री बीमार हो चुके, मेदांता में एडमिट हुए थे, दूसरे माननीय मंत्री कोरोना से प्रभावित हैं, वो भी अभी लगातार अस्पताल में हैं। मैं खुद जो 20 मार्च से लगातार जनता के बीच में क्वारंटाइन एरियो में गया हूँ, संक्रमित एरियो में घूमा हूँ, और जहाँ जहाँ ऐसी समस्या ज़्यादा थी, जहाँ लोग अधिकारी दहशत में नहीं जा रहे थे, उन क्षेत्रों में व्यक्तिगत घूमा हूँ, लोगों को राशन सामग्री बांटी है, घर घर तक उनकी समस्याओं के लिए लड़ने पहुँचा हूँ। लेकिन पिछले 20 तारीख को मैं खुद बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद से आज तक डॉक्टरों के कहने पर मैं घर पर से निकलना मुझे रोका गया है, और ये कहा गया है कमजोरी के चलते कि आप घर पर रुकिए। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मैं लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन मुद्दों को उठा रहा हूं जिससे जबलपुरी जनता को इलाज मिल सके। आज आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुला पत्र लिखा है। चिरायू अस्पताल में जब आप 700 से 1000 बेड में मुफ्त इलाज कर रहे हो तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का इलाज हर जगह प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा? जबलपुर में सुख सागर अस्पताल मार्च से अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते और प्रशासन की नाकामी और कमज़ोर प्रशासन के चलते हिम्मत नहीं बढ़ पा रही कि उसको अधिग्रहण करें। वहाँ 450 ऑक्सीजन के बेड हैं, मैं लगातार कह रहा हूँ, लेकिन उसको लेने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री इस जबलपुर शहर के साथ जो है दो एम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, और जबलपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मुँह बंद करके रखें। पिछले बार आपको याद होगा जब बैठक थी, सांसद जी आए, शाम तक उन्होंने प्राइवेट अस्पताल वालों के साथ बैठक करी, जिन प्राइवेट अस्पतालों से बैठक करी वहाँ तो टोटल मिला भी ले तो 200 लोगों का इलाज होगा। आज जबलपुर को 1000 से 2000 बेड की ज़रूरत है। आने वाले दिसंबर तक इस हफ्ते में ये हालत हो गई है कि आप मरीज को लेकर सुबह से रात तक घूमते रहो, इलाज नहीं मिल रहा। ऐसे में कांग्रेस एक सकारात्मक अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही। हम ऐसे में ये भी नहीं कर सकते कि हम लगातार कोई जगह पर तोड़फोड़ करने लगे, चौराहे चौराहे आग लगाने लगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि इस बात की गंभीरता को प्रशासन समझे। लेकिन कांग्रेस के प्रयास धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहे ना? नहीं, आप बताएं, कांग्रेस के विधायक होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूं, बाकी हमारे जो विधायक हैं अभी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीमारी के बावजूद वो बैठक में गए, आदरणीय हमारे मंत्री तरुण भाई बैठक में गए, वहाँ पर उनको पॉजिटिव होने के बाद वो घर में जाना पड़ गया। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है और कोई व्यक्ति खुद तकलीफ में है, उस समय उस पर हम ये बातें करें कि हमारे माननीय कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पे नहीं आ पा रहे, लेकिन पूरी कांग्रेस तो सड़कों पे है। आप देखिए प्रतिदिन ऐसा कौन सा दिन है जबलपुर शहर में जिस दिन चौराहे चौराहे आंदोलन नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर कोई बेशरम प्रशासन हो जाए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता की चिंता और जनता की मौतों का डर की बजाय सिर्फ उपचुनाव दिख रहा हो, तो अगर कोई आदमी जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे, तो ऐसी स्थिति में हिटलर की शाही करने में अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी की और परेशानी से अपना मुंह छिपा रहा है। माननीय शिवराज सिंह का मैं आपको एक और वक्तव्य देता हूं कि किसानों के अनाज खेतों में ख़राब हो गए, लेकिन कोई उनके दरवाजे नहीं गया, मैं दरवाजे दरवाजे जा रहा हूं। ये जो मौतें हो रही हैं ये क्या गंभीर नहीं है? क्या उपचुनाव उनको देख रहे हैं? ग्वालियर के माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कौन से शहर में गए हों जहाँ पर उन्होंने कोरोना के मरीज़ों के बीच में इलाज भी कराओ। चिरायू में ज़रूर ब्रांड एम्बेसडर बन के उसका ज़रूर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए हमारा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जबलपुर भी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहीं से पूरे प्रदेश की एक समय राजनीति चलती थी, और यहीं से आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद जी हैं। हमारे जबलपुर के अन्य बड़े दिग्गज विधायक हैं जिनको बड़ा जुझारू और दबंग कहा जाता है। तो ये सब विधायकों से मैंने खुले पत्र के माध्यम से आज मांग करी है कि सभी से हाथ जोड़कर मैंने निवेदन किया है कि जिस समय हमारे शहर में, कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो,
इन सभी विधायकों से और सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस समय अगर हम जनता का साथ नहीं दे पाए तो हमारे लिए ये पार्टी का विषय नहीं है। मौत अगर हो रही है और जन जन के बीच में कहर टूट रहा मौत का, उस समय हम राजनीति करने की बजाय अगर एकजुट होकर अपनी बात भोपाल पहुँचा दें। मेडिकल कॉलेज में, कैंसर अस्पताल में 350 बिस्तर तैयार हैं, वहाँ पे 10 दिन का काम था, मार्च से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए। आज वहाँ 1000 बेड की बात वहीं के चिकित्सा के जिम्मेदार अधिकारियों ने की थी, आज वो शांत हैं, वो चाहते हैं 350 से ज़्यादा बेड की जिम्मेदारी लेना ना पड़े उनको। और जबलपुर शहर का जिला प्रशासन लगातार बैठकों में डायलॉगबाजी कर रहा है, लेकिन जबलपुर के कलेक्टर महोदय और बाकी अधिकारी इस पर कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहे। कलेक्टर को लेकर के भी अलग अलग तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भरत यादव जो पूर्व कलेक्टर थे उनकी कार्यप्रणाली ज़्यादा अच्छी थी, क्या वर्तमान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कोई भी नया अधिकारी आएगा छोटे शहर और छोटे ज़िले से आएगा। माननीय अजय विष्णु जी का मैंने वक्तव्य पढ़ा, अभी हमारे अशोक रोहाणी जी का वक्तव्य पढ़ा कि उन्होंने चिंता व्यक्त की। मेरा कहना है चिंता व्यक्त करने की बजाय अब हमको खुल के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। अगर माननीय हमारे भाजपा के सभी नेता चाहते हैं तो हम सब पूरे कांग्रेस के विधायक साथ चलने तैयार हैं भोपाल में, क्योंकि हम लोग इस समय राजनीति करने के बजाय हमारा मिशन जो है सेवा का है। जन जन का जबलपुर शहर का इलाज मिल जाए, उनकी जान बच जाए, इससे ज़्यादा उद्देश्य हमारा कुछ नहीं। हम राजनीति करना भी नहीं चाहते इस समय। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी, चूँकि अब आप जिम्मेदार हो, जबलपुर शहर के कलेक्टर बने हो, भरत यादव जी लगातार काम कर रहे थे तो उनको यहाँ की नस नस से वाकिफ हो गए थे और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार जिस ढंग से आईएएस के ट्रांसफ़र कर रही है उस नीति का तहत वो भी शिकार हो गए। लेकिन अब जब कर्मवीर शर्मा जी आप जबलपुर पधारी चुके हो, आज तक उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि से सीधे फ़ोन लाके बात नहीं करी। ये गैर जिम्मेदाराना एक कटसी होती है। कोई भी बड़ा अधिकारी जब शहर में परिवर्तन होता है तो विपक्ष के और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से वो सीधे बात करता। वहाँ के मीडिया जो एक और लोकतंत्र का प्रहरी होता है, मीडिया के जिम्मेदार लोगों के पास मिलने जाता है, कटसी में जाता है, उनको बताता है कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ और मेरी रणनीति क्या है। लेकिन मैंने देखा कर्मवीर शर्मा जी इन सब बातों को लगता समझ नहीं पाए अभी तक, और जबलपुर शहर की तासीर को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, एक नए कलेक्टर हैं उन पर मैं सीधे अभी आरोप लगाने की बजाय, चूँकि वो कम समय हुआ है और लगातार बातें उनकी मैं जरूर सुन रहा हूँ, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिस तरह चिरायु की तर्ज पर सुखसागर को नहीं ले रहे लोग और दूसरी तरफ मेडिकल में बिस्तर नहीं बढ़ा रहे। एक और सुझाव आया था कि पूरे मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बना दे डेलीगेटेड, और विक्टोरिया में जो अन्य फैकल्टी हैं उनको एल्गिन में और विक्टोरिया में ट्रांसफ़र कर दें, तो एक बहुत बड़ी राहत जबलपुर शहर को मिल जाएगी। जो आज अपने अपने परिजनों को लोग रोते विलखते घूम रहे हैं अस्पतालों में एडमिट कराने के लिए, उससे तत्काल राहत मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही, ऐसा कहा जा सकता है क्या? मैं कहना चाहता हूँ जबलपुर शहर में मतलब सांसद जी एक जिम्मेदार बड़े पद पे हैं, सचेतक हैं लोकसभा में। सचेतक का आप समझिए कितना प्रभाव होता है पूरे लोकसभा को। सचेतक जो है पूरी सरकार को नियंत्रण रखता है, अपने सांसदों पर नियंत्रण रखता है। आदरणीय राकेश सिंह जी खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जबलपुर शहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो आज तक जिम्मेदारी से किसी विपक्ष के विधायक से बात नहीं करी। जबलपुर शहर में एक भी विधायक कह दे जो कांग्रेस या विपक्ष का नेता हो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री सीधे बात की हो कि इस कोरोना में आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। ये गैर जिम्मेदारा सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, और इसका इसी सरकार को बनाने के चक्कर में आज जो मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में बीमारी फैली है उसका एक बड़ा कारण मध्य प्रदेश की सरकार गिराना भी रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह जी कैसे सक्रिय हों, इसके लिए कुछ योजना बनाई है क्या पार्टी? हम लोगों ने तो कहा है अगर 48 घंटे में इन सब चीज़ों पर आप लोग गंभीरता से मनन नहीं करते, हमने तो हाथ जोड़ के आग्रह किया सांसद जी और सभी भाजपा विधायकों सहित कांग्रेस के भी सभी विधायक, हम लोग सब अगर मिल के काम करें। लेकिन अगर नहीं होते तो जबलपुर शहर में आप क्या सोच रहे हो? जबलपुर शहर में ऐतिहासिक काम हुआ है। जबलपुर शहर की जनता ने जनता कर्फ्यू चालू और लॉकडाउन चालू कर दिया, क्या उसके बाद भी शहर की और प्रशासन और मुख्यमंत्री की आँखें नहीं खुल रही? ये क्या अंदेशा है? ये वो आग है जो जनता में अंदर अंदर अब चालू हो गई। ये हमारे जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश है कि वो कह रहे हैं कि सरकार अगर नकारा हो रही है तो हम खुद जिम्मेदारी के साथ अपने लोगों को मौत से बचाएं। इसलिए आप देखिए जबलपुर शहर की जनता ने पहल करते हुए खुद लॉकडाउन चालू कर दिया। मुकादमगंज व्यापारी संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अन्य समारे सभी व्यापारिक संगठनों ने ये अपने आप में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इस मध्य प्रदेश की सरकार को तमाचा नहीं कि आपने ताली थाली उस समय बजवाई जब 500 मरीज थे। आज जब 50 लाख का आंकड़ा छू चुका है हिंदुस्तान में और 1 लाख से के आसपास मध्य प्रदेश में मरीज हैं,
और सही जांच हो जाए तो ये आंकड़ा दुगना हो जाएगा। उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी लगातार आप देखिए उलाहना दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, व्यंग के बाण छोड़ रहे हैं। ये समय कोरोना में व्यंग बाण छोड़ने का समय है, विपक्ष से लड़ने का समय है। एक बार भी मैंने नहीं उनका वक्तव्य सुना, जिस तरह से मैंने हाथ जोड़ के आज पूरे सत्ता पक्ष से और अपने नेताओं से आग्रह किया, एक बार माननीय मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री जी ने नहीं कहा प्रदेश पे हाथ जोड़ के कि इस समय आइए हम विपक्ष और सभी जनप्रतिनिधि मिलके कोरोना की इस लड़ाई में ईमानदारी से लड़ें, आप अपने सुझाव भेजिए। मैंने पत्र भेजा, 5 दिन हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संवेदनशीलता नहीं दिखानी थी एक विधायक से बात करने की? मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ, आज मैंने खुला पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको कोरोना जब मैं बीमार हुआ तो एक ट्वीट करके मेरी कुछ शुभकामनाएं दी। मुझे लगा ये जो मामा वाली जो भावनाएं इनके मन में हैं और सबको रिश्तेदार बताते थोड़ा बहुत भावुक आदमी होंगे, लेकिन आज जब इतना जब मैं पत्र लिख रहा हूँ, जबलपुर शहर के 20 लाख की आबादी की चिंता कर रहा हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष का जरूर मैं हूँ, क्या एक फ़ोन लगा के बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों से बैठाल के बोल नहीं सकते जबलपुर कलेक्टर को, जबलपुर के संभागायुक्त को कि इन विधायकों के साथ बैठिए विपक्ष विपक्ष के और जबलपुर शहर में जो सुझाव इनके आए उनको इम्प्लीमेंट करिए? ये मेरा आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऑडियो एक वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ लोगों ने आपको भूमि और भवन हड़पने के आरोप भी लगाए। एक सैनिक ने कहा कि मैं कोविड से ग्रसित हूँ और मेरा उपचार नहीं हो रहा है, तो उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने ऐसे ऑडियो में जिक्र है, इस पर क्या कहेंगे? दोनों चीज़ बताता हूँ। वो जो सैनिक जिसको बता रहे थे वो सैनिक नहीं है, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति थे। मैं कोविड पेशेंट मैं था, उनने मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे बीमार हूँ, आपका मेरे से मिलना उचित नहीं होगा, आप सुने उस ऑडियो को ध्यान से। मैंने कहा मैं घर में हूँ, डॉक्टर ने मुझे मिलने को मना किया, मेरे से आप मिलोगे हो सकता आप बीमार हो जाओ। तो उसके बावजूद वो बोले नहीं साहब मैं तो हफ्ते भर से परेशान हूँ, उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था। वो चारों के चारों सर्टिफिकेट, अगर वो झूठ ना बोले तो मेरे ऑफिस चले जाइए, चारों के चारों सर्टिफिकेट इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ आपके साथ, यहीं उनको बुला के, और ये मेरे साथ हमारे PSO खड़े हैं, इनसे पूछिए, उसको यहीं बैठाल के जहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं यहीं बैठाल के आदर सम्मान के साथ चारों सर्टिफिकेट बना के दिए। लेकिन मैंने उसे ज़रूर कहा था कि आप जिस ढंग से मेरे से मिल रहे हो, मैं नहीं चाहता कोई बीमार हो जाए, अगर आप 2-4 दिन बाद जब मैं निगेटिव हो जाता तब आप ये कराते तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता। अगर मैं आम नागरिक के लिए उसकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ तो बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक और वीडियो जिसकी आप वायरल की बात करो, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ मीडिया में, एक बहुत ही जबलपुर शहर का कुख्यात अपराधी परिवार जिसके पिता 20 साल पहले मुन्ना हत्याकांड, जिसमें मुन्ना हत्याकांड में मुन्ना नाम के व्यक्ति को न्यायालय से बंदूक के नोक पे ला के घर के ठीक पीछे मेरे उसके हत्या करके टुकड़े करे गए थे, एक जघन्य अपराध, वही व्यक्ति अभी छूट के आया, आने के बाद पूरे क्षेत्र में। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जाने के पहले आप मेरे बाजू की सड़क का अवलोकन कर लीजिए, वहाँ जो अवैध निर्माण हुआ है, और पीछे अगर मेरे पास जनता आएगी और मेरे से कहेगी सब अवैध निर्माण हो रहे हैं इनको रोकने या कार्रवाई करें, तो मेरी क्या जिम्मेदारी? और एक गंभीर बात, जिस ऑडियो वीडियो की आप बात कर रहे हो उसमें विनय सक्सेना कहाँ है? अगर मैं आपको धमकाने जाता हूँ या आप मुझे धमकाने आते हो तो दोनों को किसी ना किसी का चेहरा दिखना चाहिए, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और जिस मीडिया के लोगों ने इसको दिखाया था उन्होंने दूसरे दिन आके स्पष्टीकरण किया, उन्होंने कहा सब हमसे गलती हुई है, हमारे जो चैनल के लोग आप तक पहुंचे थे, मैंने ये भी कहा था अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आपके खिलाफ मानहानी का दावा करूंगा, क्योंकि गुंडे बदमाश जबलपुर शहर के, वही महिला ने दूसरे दिन आप पता कर लें ऑन द रिकॉर्ड है, चैनल्स ने लिया है जबलपुर के, उसी महिला ने जाके आस्था नगर में गौरी घाट में रात को 12 से लेकर 3 बजे तक शराब पी के अपने लड़के के साथ उधम मचाया, वहाँ के 40 परिवार के लोगों ने जाके गौरी घाट थाने में रिपोर्ट करी, उसको मकान खाली कराया गया एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने कह दिया साहब ऐसे किराएदार हमारे नहीं रहेंगे, तो उस ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं ज़्यादा कहना उचित नहीं समझता। कोविड 19 को लेकर के केवल 3 बिंदुओं में क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए बताएं? देखिए मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, बगैर राजनीतिक देशभाव के, बगैर किसी राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जबलपुर शहर के जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से और सभी विधायकों से मेरा आग्रह है कि जबलपुर शहर में 2000 बेडों की व्यवस्था हो सकती, जो मैंने खुला पत्र में अपनी पूरी बात रखी हुई है और पिछले मीडिया के साथ पत्रकार वार्ता में भी रखी। तत्काल मेरा निवेदन है कि जब तक हमारे ये 2000 बेड तैयार नहीं होंगे तो जबलपुर शहर इसी बात में परेशान रहे कि प्राइवेट में आपदा को अवसर बदलने का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को सबसे ज़्यादा उनने ही अपनाया,
और दूसरी एक बड़ी बात है कि हमारा दर दर भटक रहा है जो इंसान जबलपुर का, आज मौत का कहर और भयानक और विस्फोटक जो स्थिति है, उस स्थिति से जबलपुर शहर को निकालने के लिए तत्काल 2000 बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक हालात अभी और बिगड़ेंगे और उसके लिए अभी भी हमारा प्रशासन नहीं जाग पा रहा, किस डर में है, किस दहशत में है, या पता नहीं नियंत्रण से बाहर है। अगर नियंत्रण से बाहर तो फिर कर्मशील शर्मा जी कलेक्टर महोदय को खुद इस बारे में निर्णय लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बिल्कुल इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय ले, एक हफ्ते के अंदर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करें जबलपुर शहर में, नहीं तो जबलपुर शहर की सड़कों पर मौत दिखेगी और इंसान सड़कों पर मिलेगा और अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे। शहर में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या को लेकर के दहशत का माहौल है, ऐसे में विधायक विनय सक्सेना के सुझाव मुख्यमंत्री माने, प्रशासन सक्रिय हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। अपने साथी मुकेश झा के साथ मैं तरुण मिश्र, लोकनीति के लिए।